निमोद ग्राम में हनुमान जन्म उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। धर्मेंद्र भार्गव पूर्व सरपंच निमोद ने बताया कि 23 अप्रैल को हनुमान जन्म उत्सव पर मंदिर की विशेष सजावट की गई और विष्णु लोहिया मूलासर वाले एवं उनकी पार्टी द्वारा सुबह 9 बजे संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया गया। शाम 5 बजे बालाजी मंदिर से मेन बाजार श्री राम मंदिर भार्गव मोहल्ला बस स्टैंड इंदिरा कॉलोनी होते हुए वापस निमोद बालाजी मंदिर यात्रा पहुंची, जहां वीर बजरंग बली की जोत लेकर आरती की गई और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्रा में झांकी बहुत ही शानदार आकर्षित झांकी बनाई गई। बालाजी कर दो बेड़ा पार भजन पर माताएं बहने भाई बंधु श्रद्धालु नाचते गाते वीर बजरंग बली के जयकारे लगाते हुए गांव में भ्रमण किया। शोभा यात्रा में ग्रामवासियों ने बहुत उत्साह देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जो पूरे रास्ते नाचते जयकारा लगाते हुए चल रही थी। मंदिर पुजारी बजरंगलाल ने बताया कि मंदिर की सजावट के साथ साथ मनमोहक झांकी तैयार की गई। राम लक्ष्मण सीता मैया और वीर हनुमान जी की झांकी मनमोहक थी। समाज सेवी गणेश अग्रवाल पूसाराम घंसवा द्वारा हमेशा मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले बच्चों को बालाजी के आशीर्वाद के रूप में बालाजी शिव जी की तस्वीर भेंट की गई। इस मौके पर राजकुमार अग्रवाल भामाशाह सोहन राम घसवा दीनदयाल जांगीर दिवाकर शर्मा अनिल बगड़िया प्रहलाद सरसोवाल मुन्नालाल भार्गव नानूराम भगत सोहनलाल गुर्जर पूर्णमल चेजवारा राहुल जांगीर जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी भामाशाह मनीष गावड़िया मेघाराम भगत परसाराम शर्मा नीमाराम निवाद गुमाना राम निवाद टोडूराम कूदना श्याम भार्गव प्रवीण राठी भंवर गढ़वाल मुकेश प्रजापत गौतम जोशी गणेश अग्रवाल धर्मेंद्र भार्गव मौजूद थे।